हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, मतलब नहीं भी हूँ। आज देखो ये भाई, आज थूक गई सुबह यहाँ पे, निशान लग गया। और सामान शिफ्ट कर रहे थे इधर से उधर तक, क्योंकि हम रूम सेटल कर रहे थे कि इधर वाले रूम में ये रखते हैं, उधर वाले इधर रूम में ये रखते, तब तक किसी चीज़ से लग गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर पहले फिर यहाँ पे लग गया था। भाई साहब, मेरा मुंह तो टूट फूट के तैयार हो जाएगा शादी तक। तो मेरा भाई मुझे हेलमेट दे रहा था, कहता ले ये पहन ले सेफ्टी के लिए। तो अभी हम आए हैं ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि आज लास्ट फेशियल होना है मेरी सिस्टर का, एंड वैक्स वगैरह मतलब जो भी है, एक दो घंटे का कार्यक्रम है शायद। तो सो वो अंदर है एंड मैं बाहर हूँ। और पता है, मुझे लगता है शादी होते होते मैं टूट फूट जाऊँगी, क्योंकि आज पूरा डस्ट का काम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे डस्ट एलर्जी हो गई है। पहले मेरी सिस्टर को होती थी, उससे मुझे ट्रांसफ़र हो गई है। जरा सा भी डस्ट में जाओ ऐसे छीके 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 हो जाती है। हाँ भगवान, क्या करूँ मैं। तो गाइस चलो अब अंदर चलते हैं उन्हें देखने के लिए कि क्या हो रहा है, उसका फेशियल कैसे होता है, आपको दिखाती हूँ मैं। चलो चलते हैं चेक करने। वहाँ तो गाने भी चल रहे हैं, कॉपीराइट लगा देंगे मेरे ऊपर। फिर क्या डाला ठगे का काम करते पार्लर के भी स्टाइल वगैरह में अच्छे व्यूज आ जाते हैं।
कल भी 200 रुपए आए हुए हैं। कोई बात नहीं, बैठे होंगे 2500 आए ना। ठीक है, उससे क्या होता। अच्छा, आप सब्सक्राइब करते क्या? हम तो सब्सक्राइब करेंगे यार, ठीक है, बात करिए। कैसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, करो करो, आप भी करो। जब इंसान खुद सब्सक्राइब करता है ना, तो वो अच्छे से देखता है। जब जब जबरदस्ती कराते हैं ना, वो तो ठीक है, आपने आप कह दिया ना कर दो, तो तब कर देते। सही बात है। टिकी टिकी भाई, क्या रात हो रही है, क्या रात। वो निकल गया सामान? हाँ, निकल गया सारा सामान है हमारे पास भाई। इसमें बहुत सारा, इसमें ये कम से कम 20 किलो का है। इसके अंदर 5 किलो का अचार है। मम्मी इतना भारी भाई, हालत ख़राब। अब हम निकल गए रामनगर से, वेडिंग फॉर ऑटो।